हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी कैसे पीना है, कब पीना है, ग्रीन टी पीते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये हम बात करेंगे वेट लूज जो कर रहे हैं उनको ग्रीन टी कैसे पीना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड जो नॉर्मली अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई रखना चाहते हैं, अपने वेट को मैनेज रखना चाहते हैं, किसी भी बीमारी में नहीं आना चाहते हैं, डायबिटीज, शुगर, किसी में भी, तो उनको ग्रीन टी किस तरह से वो ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि जो ग्रीन टी है उसमें एक कैटेजिन नाम का फ्लेवोनॉइड होता है ग्रीन टी के अंदर, जो कि जो फैट होता है उसको बर्न करने में हमारा हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए ग्रीन टी, क्योंकि आपने ना बहुत ज़्यादा सुना होगा आजकल, तो रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही आ गया है कि इतने सारे फ्लेवर्स ग्रीन टी के आ गए हैं, बहुत सारे एड्स होते हैं कि ग्रीन टी पियो एंड बिल्कुल स्लिम हो जाओ, बहुत जल्दी वेट लूज हो जाता है। तो हम ये भी बात करेंगे कि ये किस हद तक कितना सही है। अब बात करें कि ग्रीन टी आपको कैसे पीना है, तो ग्रीन टी दो तरीके से आती है। एक आती है लूज जो टी लीव्स होती हैं उसकी, एक आती है टी बैग की। अगर लूज है तो आप एक कप पानी लेके उसमें टीज को डाल के 5 मिनट के लिए बॉयल करके आप उसको लेके पी सकते हैं। टी बैग से तो पानी को अच्छे से बॉयल करके उसके अंदर जो टी बैग है उसको 5 से 6 मिनट तक आपको डाल के रखना है और आप उसके बाद उसको पी सकते हैं। तो क्योंकि दोनों तरह से एक्चुअली आती है, लूज भी आती है एंड टी बैग्स के फॉर्म में भी आता है, तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक भी उसको नहीं डिप करके रखना है, जो टी बैग है उसको बहुत ज़्यादा देर डिप नहीं रखना है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो कैफीन का लेवल होता है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल उसमें चला जाता है, जो कि आपको साइड इफेक्ट्स दे देगा उसको ड्रिंक करने के बाद। तो इसलिए 5 से 6 मिनट तक ही उसको अच्छे से डिप करके आपको उसको निकाल देना है एंड जो पानी है, जो ग्रीन टी बना है, उसको आपको पी लेना। नेक्स्ट होता है कि आपको कब पीना है। तो ग्रीन टी पीने का सबसे अच्छा टाइम होता है कि आप सुबह से लेके शाम तक पी लो 3 से 4 कप। शाम को एंड रात को इसको अवॉइड करो, क्योंकि इसमें कैफीन कंटेंट होता है, तो जो आपकी स्लीप है या और जो भी आपका रेस्ट टाइम होता है, आपकी जो नॉर्मल रूटीन होता है उसको इम्पैक्ट कर सकता है, उसको हैम्पर कर सकता है। तो आप सुबह से लेकर शाम तक 3 से 4 कप आराम से ग्रीन टी पी लो, बट शाम को एंड रात को उसको बिल्कुल अवॉइड करो। खाना खाने से 45 मिनट्स पहले आप पी सकते हो, खाना खाने के बाद 45 मिनट्स बाद आप पी सकते हो, खाना खाने के साथ आपको नहीं पीना है। वो क्या करेगा, अदरवाइज आपका जो खाना आपने खाया है उसको डाइल्यूट फॉर्म कर देगा एंड वो स्टमक में जाके इरिटेशन करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको कब पीना है, सुबह से शाम तक, शाम को और रात को नहीं पीना है। खाना खाने के 45 मिनट्स पहले पी सकते हैं या खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद पी सकते हैं। अब है कि अगर आप वेट लूज कर रहे हैं, वेट लूज के लिए आप ग्रीन टी ले रहे हैं, तो उसके साथ आपको कुछ भी नहीं लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रीन टी लिया उसके साथ बिस्किट ले या नमकीन ले लिया, उसके अंदर केक ले लिया कोई भी, और जैसे रस केक आते हैं इस टाइप का, वो ले लिया, या फ्लेवर को बढ़ाने के लिए उसके अंदर हनी डाल देते हैं। तो अगर आप वेट लूज कर रहे हो तो आपको इन ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। आप ग्रीन टी के साथ मखाना ले सकते हो, या आप चाहो तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, वो भी बहुत थोड़े से, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है। और मैं बात करूं, अगर आप वेट लॉस नहीं कर रहे हो, सिर्फ लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर रहे हो, देन आप ग्रीन टी के साथ कोई भी एक नॉन शुगरी बिस्किट जो होता है आप वो ले सकते हो, या कोई भी ऐसा आप चीज़ ले सकते हो जिसमें शुगर लेवल वगैरह ना हो, तो आप वो चीज़ ले सकते हो। हाँ, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो और आपको साथ में कुछ ना कुछ लेना है, तो आप भुने हुए चने होते हैं आप वो ले सकते हो थोड़े से, या बादाम ले लो, या थोड़े से मखाने ले लो, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं डालना है, हनी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, जो ग्रीन टी का फ्लेवर है वो ही रखना है। इवन मैंने तो कुछ लोग देखे हैं ग्रीन टी बना के उसके अंदर चीनी डाल के भी लेते हैं, तो नहीं प्लीज़, रिफाइंड शुगर तो आपको लेना ही नहीं है, चाहे आप वेट लूज कर रहे हो तब भी, आप वेट लूज नहीं कर रहे हो तब भी। नेक्स्ट है, आप ग्रीन टी ले रहे हो ना, उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट को भी कंट्रोल रखना है। ये नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट हैवी कर रहे हो, आप लंच कर रहे हो, आप सब कुछ खा रहे हो एंड उसके साथ साथ आप ग्रीन टी ले रहे हो, तो कोई भी फायदा नहीं होगा। ग्रीन टी आप ले रहे हो सो दैट आप एक्स्ट्रा कुछ भी कैलोरी वाली चीज़ ना लो इसलिए, एंड वो आपको फैट बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करे। बट आपको क्या करना है, उसके साथ आपको हेल्दी डाइट लेना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, हेल्दी आपको लंच करना है, हेल्दी आपको डिनर करना है। ये नहीं है कि आप सुबह मॉर्निंग में आलू के पराठे, प्याज के पराठे, पूरी आलू खा रहे हैं, उसके साथ आपने आधे घंटे बाद ग्रीन टी ले ली, अब तो ये मेरा जो भी खाया है वो सारा निकल जाएगा, सारा डाइजेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ग्रीन टी आपके खाई हुई चीज़ों को या जो कैलरी आपने एक्स्ट्रा फालतू की ली है उनको नहीं हटाता है, तो प्लीज़ ये चीज़ आपको नहीं करनी है। हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल आपको रखना है ग्रीन टी के साथ साथ। मैंने एक्चुअल में बहुत लोग देखे हैं जो आलू के पराठे खा रहे हैं उसके आधे घंटे बाद ग्रीन टी ले लेते हैं कि अरे चलो अब तो हमारा सही हो गया। तो अगर आप वेट लूज करो स्पेशली, तब तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ही अवॉइड करोगे कि आप कुछ भी ऐसा वैसा खाओगे तो ऑयली फूड हो गया, बहुत ज़्यादा कार्ब्स हो गए, बहुत ज़्यादा शुगर हो गया, बहुत ज़्यादा ऐसे तेल भुनी हुई चीज़ें हो गई, मसालेदार चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल दूर रहना। नेक्स्ट है ग्रीन टी, आपको जो है वो बिल्कुल भी एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है। खाली पेट आप ग्रीन टी नहीं लोगे। खाली पेट लेने से क्या होगा, पेट में दर्द हो सकता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम आ सकता है एंड आपको जलन भी हो सकता है। तो इसलिए ग्रीन टी को खाली पेट नहीं लेना है, या तो खाना खाने के 45 मिनट्स पहले या खाना खाने के 45 मिनट्स बाद। मतलब आप जो 45 मिनट्स पहले आप ले भी रहे हो ना, तो उसमें भी आपने जैसे साथ में थोड़ा सा कुछ ले लिया, जैसे मैंने बताया मखाने ले लो, बादाम ले लो, चने ले लो, इस टाइप से कुछ ले लो। अगर आप खाना खाने के बाद ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप कुछ भी नहीं लोगे, सिर्फ ग्रीन टी लोगे तो भी चलेगा। अब बात करते हैं कि ग्रीन टी के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए ग्रीन टी में कैफीन होता है, ये सबको पता है। अब कैफीन क्या करता है, ऑब्वियसली बात है कैफीन है तो स्टमक में इफेक्ट्स की प्रॉब्लम करेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम करता है, एंजाइटी करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे घबराहट सी होती है, बेचैनी होने लग जाती है। तो दैट्स वाई यही रीज़न है कि शाम को एंड रात को ग्रीन टी अवॉइड की जाती है, क्योंकि शाम को एंड रात को आपका टाइम होता है सोने का। अगर आप ग्रीन टी सोने से पहले ले लेते हो है ना, या शाम को 5-6 बजे के बाद ले लेते हो, तो क्या होता है कि वो आपको एंजाइटी कर देता है, आपके अंदर बेचैनी कर देता है, आपकी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, आप सो नहीं पाते हो क्योंकि उसमें कैफीन इनटेक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें आ जाती है। तो ये है सारे ग्रीन टी पीने का तरीका, ग्रीन टी क्या है, ग्रीन टी आपको कब पीनी है, ग्रीन टी कैसे पीनी है, ग्रीन टी के साथ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो। और अगर आप वेट लूज़ नहीं भी कर रहे हो तो भी मैं बोलूँगी ग्रीन टी बहुत अच्छा ऑप्शन है, रैदर देन कि आप चाय लेते हो या कॉफ़ी लेते हो। तो चाय और कॉफ़ी अगर आप छोड़ सकते हो तो आप छोड़ के ग्रीन टी पे स्विच हो जाओ, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। आप उसके साथ कोई भी लिटिल बिट स्नैक्स ले सकते हो अगर आप वेट लूज़ नहीं कर रहे हो तो। बट आप क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफीन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, प्लस आप उसमें चीनी डालते हो, आप उसमें दूध वगैरह डालते, तो वो अल्टीमेटली अनहेल्दी फॉर्म बन जाता है। तो आप ग्रीन टी पे ही शिफ्ट होता है, वो ज़्यादा बेटर है। तो आप वेट लूज कर रहे हो तो प्लीज़ ग्रीन टी को जैसे बताए उस तरीके से आप पियो, एंड आपको वो बहुत अच्छा इफेक्ट देगी, बहुत ही सही टाइम में आपको बहुत ही लाइक आपकी जो भी ब्लड शुगर लेवल है, आपका जो भी बॉडी के अंदर कचरा भरा है जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, वो सब कर देगी, तो आपकी बॉडी बहुत लाइट, बहुत अच्छी एंड बहुत हेल्दी फील होगी। ऑब्वियसली बात है आप हेल्दी हो तो आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग भी हेल्दी हैं। आप बीमार हो तो सोचो आप किसी और का क्या ध्यान रखोगे जब आप खुद बीमार हो। पर्सनली मैं आपको बताऊँ, पहले मैं अपना इतना ध्यान नहीं रखती थी जब मैं मैं कुमारी थी, शादी नहीं हुई थी, या जब मेरी जब शादी हुई थी तब भी, बट सीरियसली तब मैं कुछ भी खाती थी, कुछ भी करती थी, मैं इतना बॉदर नहीं करती थी। बट जब से मेरा बेटा हुआ है ना, टचवुड, तब से मैंने अपनी लाइफ को ऐसा कर दिया है कि मैं सिर्फ हेल्दी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाती हूँ। अगर मेरे सामने कोई चीज़ बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अनहेल्दी है, बट मेरे सामने कोई चीज़ अच्छी नहीं है बट हेल्दी है, तो आई ऑलवेज विश टू हेल्दी थिंग। ये मेरे अंदर से अब हो गया है जब से मैं माँ बनी हूँ, जब से मेरा मदरहुड जर्नी स्टार्ट हुआ है। होता है अब मैंने छोले भटूरे पता नहीं कब से नहीं खाए हैं, मैंने पूरी आलू पता नहीं कब से नहीं खाया है, तो ये सब चीज़ें तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी है, मैं नहीं लेती अब। तो ये होता है क्योंकि मेरे को ये लगता है कि यार मेरे घर में मेरा बेटा है, अगर मैं हेल्दी रहूँगी तो मैं उसको कितने हेल्दी तरीके से ग्रो कर सकती हूँ, उसका ध्यान रख सकती हूँ, उसको कल मेरी ज़रूरत है तो मैं उसके लिए हो सकती हूँ। बट अगर सोचो मैं ही ये उल्टा सीधा खाकर, आलू पूरी खाकर, छोले भटूरे खाकर मैं ही बीमार हो गई, मैं भी ओबीज हो गई, मेरे को भी शुगर बीपी की, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, तो सोचो आपकी मेरा बच्चा, उसका मैं क्या ध्यान रखूँगी जब मैं खुद बीमार हूँ और मेरा ध्यान रखने के लिए कोई और बंदा चाहिए होगा। अब सोचो कि मैं खुद डिपेंड हो गई किसी के ऊपर अपनी हेल्थ के लिए, तो मैं मेरे बच्चे का ध्यान कैसे रखूँगी। तो ये मेरा बहुत ही बड़ा रीज़न है कि लास्ट 3 ईयर्स से मैं बहुत ही हेल्दी डाइट पर स्विच हो चुकी हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। हाँ ठीक है, कभी संडे या 10-15 दिन में कहीं पार्टी में चले गए या थोड़ा बाहर चले गए तो खा लिया, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं कि हम साउथ इंडियन की तरफ ज़्यादा जाएँ, क्योंकि उसमें जो डोसा है, इडली है, उत्पम है, वो ऑप्शंस अच्छे मिल जाते हैं। बट हम पिज़्ज़ा हो गया या ये सब हो गया, हाँ कानू बोलता है बर्गर वगैरह खाने के लिए, देन वी गो 10-15 दिन में कभी एक बार तो हम लोग थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बट ये छोले भटूरे, आलू पूरी घर में बनाना या घर में ऐसा अनहेल्दी खाना, वो चीज़ हम नहीं करते। तो प्लीज़ आप भी हेल्दी रहिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लव वंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप हेल्दी होगे तो कल सामने वाले को जरूरत पड़ेगी ना, तो आप उसके सपोर्ट के लिए वहाँ पर खड़े रहोगे। आप हेल्दी नहीं हो तो आप
बिल्कुल भी चाहकर भी उतनी हेल्प नहीं करवाओगे और आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाओगे। तो चलिए फिर आप ये सबके साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप हेल्दी बनाना चाहते हैं, जो वेट लूज करना चाहते हैं, या आप चाहते हो कि आपके इस मैसेज से वो उनकी लाइफ हेल्दी स्टार्ट हो जाए, वो हेल्दी ईटिंग शुरू कर दें और अपनी लाइफ को एक हेल्दी वे में लेके जाए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट करिए, मेरे से बात करिए, पर्सनल बात भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।